उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में ओवरलोडिंग की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बालू की खुदाई का काम बहुत ही तेजी से हो रहा है, जिसकी वजह से ओवरलोडिंग भी जमकर की जा रही है। आरोप है कि कुछ विधायक और सांसद की शह पर खनन को खनन माफिया अंजाम दे रहे हैं और चंद रुपए के लिए खनन स्थल से ट्रक और ट्रॉलियों में ओवरलोड कराकर प्रदेश सरकार को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं, जबकि जिले में कुछ ही जगह पर बालू को उठवाने का ठेका हुआ था और इसकी रसीदें जिले भर में सरेआम काटी जा रही हैं, जबकि ये सारा खेल प्रशासन के नाक के नीचे चल रहा है। प्रशासनिक अधिकारी जानकारी देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं करते। प्रशासन भी इलीगल माइनिंग को लेकर काफी स्ट्रिक्ट है और इस तरीके की अगर प्रकरण संज्ञान में आ रहे हैं और अगर कहीं भी कोई पकड़ा जाता है तो उस हिसाब से उसमें जो भी एक्ट में जो भी उसके अगेंस्ट पेनल्टीज हैं वो लगाई जाएगी और बहुत ज़्यादा मूल्य में भी या नोटिस देने के बाद भी किसी ठेकेदार द्वारा ये रोका नहीं जाता है तो पट्टा भी नहीं। जहाँ सरकार के भरोसे लोग हमेशा रहते हैं और सोचते हैं कि सरकार उनके साथ न्याय करेगी, लेकिन अगर सरकार के कुछ लोग खनन माफियाओं का साथ देते हैं तो ऐसे में जनता किसके भरोसे रहेगी। अब सवाल इस बात का है कि सरकार खनन माफिया पर नकेल कब कसेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। श्रीवस्ती से टीवी 100 के लिए पंकज की रिपोर्ट।